सितारा गांव का जमींदार और उसकी पत्नी शारदा अपनी बेटी रूपाली को लेकर बहुत चिंतित थे और वो उनकी इकलौती बेटी थी। लेकिन रूपाली सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर से बाहर खेलती रहती थी। उसका घर में आने का कोई मन नहीं होता था, लेकिन कुछ रिश्तेदार उसको देखने के लिए घर में आए हुए थे। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। इतनी देर हो गई हमें बैठे हुए, आपकी लड़की से तो मुलाकात ही नहीं हो पाई, कहीं बाहर गई है। क्या, आप कैसी बातें कर रही है? हम लड़की को घर पे रहने दें? छी 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 छी, इस बात से परिवार और समाज में हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा, रूपाली की बात कर रहे हैं? वो तो घर में ही है, अंदर कमरे में। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रही है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हम चलते हैं, अब बहुत दूर जाना है ना, शाम भी हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो हम आप लोगों को बाहर तो छोड़ देते हैं, चलिए। रूपाली, यहाँ आओ बेटा। कहाँ थी इतनी देर? अरे माँ, सामने वाले जंगल में ही तो थी मैं। देखिए ना, इस बेचारे खरगोश को कितनी चोट लग गई है। अरे बाप रे, इसलिए मैं इसे घर पर लेकर आई। देखिए, तुम्हें बोला था ना घर में कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, तो घर में क्यों नहीं रुकी? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी माँ। तो क्या क्या वो लोग चले गए? हाँ, और जाते जाते तुम्हारे बारे में हमें खूब सुना कर गए। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। छी 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 छी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आपने झूठ क्यों बोला माँ? मैंने तो कोई अन्याय नहीं किया। पेड़ पौधे, जंगल, पक्षी, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए उनके साथ रहती हूँ। उनके साथ रहोगी तो इंसानों के साथ रहना छोड़ दोगी। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम समझदार बनो रूपाली। अभी हम तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं, अगर तुम इस तरह सारा दिन बाहर रहोगी तो हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगी। बेटी को थोड़ी लगाम दो, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जो पकड़ा जाएगा मुर्गा बनेगा, जो पकड़ा जाएगा मुर्गा बनेगा। हे हे, ये पकड़ा गया। अरे बाप रे, मुझे पकड़ लिया तूने। हर रोज मेरे साथ यही होता है, रूपाली को कभी पकड़ नहीं सकते तुम, एक भी दिन नहीं, कभी नहीं। ठीक है, एक बार और खेल लेते हैं हम लोग। देख रूपाली, शाम हो गई है, अब हमें घर जाना होगा। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं भी उस रास्ते से अपने घर चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना रूपाली। प्रकार के मंत्र अब हमारे पास है, समझे? लेकिन गुरुजी, ये सब साबित कैसे करोगे आप? हाँ, तुमने सही कहा। वहाँ देखो, तुम्हें पेड़ में बैठा हुआ वो तोता नजर आ रहा है। देख रहा हूँ। हाँ, आप देखो, मैं अपना जादू वाला मंत्र और फूका हुआ पानी उस तोते पर कैसे फेंकता हूँ। अरे, ये तोता तो सच में आपके वश में हो गया। हाँ हाँ, अब मैं उसे जो करने को बोलूँगा वो वही करेगा, समझे? वही करेगा, अब तुम देखते रहो मेरी विधि। ओम क्रीम 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 त्रिभुवा की, उड़ जा। अरे वाह गुरुजी, आप तो वाकई में महान हो, लेकिन क्या ये इंसानों पर भी काम करेगा? देखना चाहते हो तो ये लो। अब तुम जिस मुद्रा में हो वहीं बैठ जाओ और मेरे पैरों को धो और हमें झुक कर प्रणाम करो। ये तो इसकी इतनी इज्जत करता है, इसके साथ रहता है, फिर भी ये इससे अपने पैर धुलवा रहा है। देखा मेरी जल की ताकत, कि मैंने कैसे तुम्हें अपने वश में कर लिया था।
अब आने वाले अमावस्या में मैं कैसे अपने जल की ताकत को दुगनी बना देता हूँ। इसको इस गांव के जमींदार को तुम पहचानते हो ना? वो बहुत बड़ी प्रजा की संपत्ति का मालिक है। तो क्या वो क्या हमें दे देगा? मैं उसी की तो सारी व्यवस्था कर रहा हूँ। अब आने वाली अगली अमावस्या को जमींदार के घर के चारों ओर इस जादुई जल को छिड़कूंगा और उसको अपने वश में कर लूंगा। उसके बाद वो परिवार के सारे लोग मेरे वश में हो जाएंगे। और जमींदार को लेकर उसकी सारी संपत्ति मैं अपने नाम करवा लूंगा और वो सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी। हो जाने के बाद वो बोलेंगे मुझे फिर से चाहिए, तब क्या होगा? तुमने क्या मुझको इतना बेवकूफ समझा है क्या? मैं पहले संपत्ति अपने नाम करवा के उन सब को भस्म कर दूंगा, मार दूंगा। तब तो सब ठीक है, पर मेरे हाथों में अब से ही खुजली होने लगी है। अरे बाप रे, ये कैसी मुश्किल आ गई। चलो मैं जाकर बाबा को ये सारी बातें बताती हूँ। हाँ पिताजी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। तुम इतनी रात देर तक कहाँ थी? आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ, बल्कि चिंता करने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। जानवरों के साथ रहकर तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह हो गई हो, कुछ बात समझ में नहीं आती तुम्हें। लेकिन मेरी बात सबसे ज्यादा जरूरी है पिताजी, मेरा भरोसा कीजिए, हम लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जाकर अपने कमरे में आराम कर, कल जमींदार का बेटा शाम तुम्हें देखने आएगा। क्यों माँ? क्यों, तुम नहीं जानती कि उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, इसीलिए वो तुमसे बात करने आने वाले हैं। लेकिन माँ, मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, जाओ अंदर जाओ। श्याम, मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो, लेकिन मैं शादी के बारे में अभी कुछ नहीं सोचना चाहती, क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़ी मुसीबत है। मुश्किल? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। ये मुश्किल मेरे परिवार की है, मैं इसमें तुम्हें धकेलना नहीं चाहती हूँ। चले जाओ श्याम, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारी जो कोई भी मुश्किल होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। श्याम को अलविदा कहकर रूपाली फिर से घर से निकल जाती है। जमींदार को जैसे ही पता चलता है वो आग बबूला हो जाता है और वो अपने प्रहरी को कहता है रूपाली को पकड़ कर लाओ और कमरे में बंद कर दो। आज ही तो अमावस्या है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन मैं यहाँ से भागूंगी कैसे? हाँ, आखिर क्या करूंगी मैं, क्या करूँ? क्या तुम यहाँ कैसे आए? ऐसे क्या बात हुई? मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बंदी बना कर रखा है, सोचा कि तुम्हारी सहायता कर दूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। मुझे यहाँ से बाहर निकालने की व्यवस्था करो, मैं सब बताती हूँ। ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, जिस तरह से मैं ऊपर आया उसी तरह से हम नीचे जाएंगे, किंतु तुम डरना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस लगता है काम हो ही गया है, वो जैसे ही इस दरवाजे के अंदर घुसेंगे इस रस्सी की वजह से वो गिर जाएंगे और फिर तुम उन पर हमला करना। हाँ, करोगे ना श्याम? हाँ कर लूंगा, तुम चिंता मत करना। देखो वो दोनों इसी तरफ आ रहे हैं, चलो तैयार हो जाओ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, अरे गिर गया, मर गया। हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। मत मारो, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही आए थे। मत मारो, मत मारो, उठ भी नहीं पा रहा हूँ और मेरा पानी किधर गया, कोई बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? अरे बाप रे, अरे अरे मर गया।
उठाओ से। अब मैं तुम्हारे हाथ पैर सब काट डालूंगी। हाँ, बदमाश कहीं के मेरे पिताजी को मारने की योजना बनाई तुम लोगों ने। शाम शाम जल्दी करो, जल्दी इन्हें पकड़ो। आज इनका जादू मैं इन्हीं पर आजमाऊंगी। हाँ, इन दोनों को मैं अपने काबू में कर लूंगी। अरे, तेरा इतना दुस्साहस, मेरे साथ पंगा लेना ठीक नहीं रहेगा। ए लड़की, ये लो, अभी करती हूँ। लो लो। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा क्यों? बताओ मुझे। ये दोनों हम लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ आए थे पिताजी। क्या बोला? इनकी इतनी हिम्मत? ये पाखंडी तांत्रिक है, आपको वश में करके आपकी जमीन हड़पना चाहता था। क्या बोल रहे हो तुम? और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? रुकिए, इन्हीं के मुँह से सुनवाती हूँ आपको। रुकिए। क्यों रे बदमाश तांत्रिक, अपने मुंह से सब बताओगे या फिर पानी छिड़क के अपने वश में करो? अरे नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ और मार पड़ी तो मैं मर जाऊंगा। सुनो, इन लोगों को पकड़ के ले जाओ और इनकी अच्छी खातिरदारी करना, समझ गए? चलो ले जाओ इन्हें। ठीक है, अब मैं एकदम निश्चिंत हो गई हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटी रूपाली, लेकिन अगर तुम ये बात मुझे पहले ही बता देती तो ये सब कुछ खतरा होता ही नहीं तुम्हारे साथ। मैं अकेली नहीं थी पिताजी, श्याम भी मेरे साथ था। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ही बनूंगा रूपाली का पति और उस पर कोई भी संकट आने नहीं दूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। वाह बढ़िया, लेकिन अभी तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुम तो अंदर वाले कमरे में बंद थी ना, तो वहाँ से यहाँ तुम बाहर कैसे आई? वो तो हम दोनों की बात है पिताजी। वो तो मैं नहीं बता सकती। हाँ।